पर्याप्त वर्षा के अभाव में सूखाग्रस्त घोषित किए गए उज्जैन जिले में अब कोई भी बोरिंग नहीं किया जा सकेगा। उज्जैन कलेक्टर ने 15 जुलाई 2019 तक बिना अनुमति के बोरिंग करने या करवाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कलेक्टर ने जिले भर में तैनात एसडीएम को पत्र जारी कर निजी जल स्रोतों की भी जानकारी मांगी है, जिनका उपयोग जरूरत पड़ने पर किया जा सके। कलेक्टर मनीष सिंह ने 8 नवंबर से पूरे जिले में पेयजल परीक्षण अधिनियम लागू कर दिया है। इसके लागू करने के साथ ही कलेक्टर ने जिले की सभी तहसीलों के एसडीएम को पत्र जारी कर बोरिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध की जद में निजी और सरकारी सभी लोग व संस्थान भी शामिल रहेंगे। यदि कलेक्टर के इस आदेश की कोई अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। नोमा के लिए लगाया गया ये प्रतिबंध 15 जुलाई 2019 तक जारी रहेगा। साथ ही मई जून में पेयजल की संभावित परेशानी को ध्यान में रखते हुए ऐसे जल स्रोतों को सूचीबद्ध भी किया गया है, जिनका उपयोग सूखे के दौरान लोगों की प्यास बुझाने के लिए किया जा सके। पीएचई के पत्र से ज्ञात हुआ है कि सामान्य से औसत जो वर्षा हुई है इस बार हमारे उज्जैन जिले में कम हुई है। इसके परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर महोदय का जो आदेश था, उन्होंने एक लेटर रिलीज किया है 8 नवम्बर को, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत जिसमें कलेक्टर को पावर होते हैं, उसमें उज्जैन जिले को दिनांक 15 जुलाई 2019 तक जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। तो इसमें जो कलेक्टर महोदय का जो आदेश था उसमें ये कहा गया किसी प्रकार से जो अशासकीय व निजी जो जलकूप का खनन होगा वह पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। इसमें बिना अनुमति के यदि आप कोई अशासकीय या निजी बोरिंग करते हैं तो उस पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए अनुमति का प्रावधान है। यदि आप एसडीएम ऑफिस में अप्लाई करते हैं उसके लिए तो हम लोग पीएचई डिपार्टमेंट को और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार हैं उनको उनसे हम रिपोर्ट लेते हैं और उसमें 8 या 10 शर्तें होती हैं कि इस इतनी गहराई तक ही आप बोरिंग कर पाएंगे, इतने जो हमारे जल के स्रोत हैं उससे इतनी इनकी दूरी होनी, सीमित दूरी होनी चाहिए। ऐसे करके 8-10 जो शर्तें होती हैं उन सबको स्टडी किया जाता है। उसके बेसिस पे जब पीएचई और हमारे जो तहसीलदार है वो रिकमेंड करते हैं तभी हम वो बोरिंग की परमिशन दे पाएंगे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये है कि ड्रिंकिंग वाटर जो पेयजल समस्या है वो स्पेशली गर्मी में बहुत ही विभत्स रूप ना ले ले, बहुत ही बड़ा रूप ना ले ले। इसलिए हमें चाह रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर जो कि पेयजल सप्लाई है उसको हम प्रायोरिटी में रखें और कोई भी नए बोरिंग जो हो उसको बिना अनुमति के ना किया जाए। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने आज एक लेटर इशू किया है हमारे नायब तहसीलदार को समस्त पटवारियों को और जिसकी प्रतिलिपि मैंने सीएसपी साहब को भी फॉरवर्ड की है, लेटर समुदाय को भी मैंने सादर प्रेषित की है, जिसमें मैंने कहा है कि यदि किसी भी हमारे कर्मचारी को किसी भी हमारे नायब तहसीलदार पटवारी को अपने भ्रमण के दौरान यदि ये ज्ञात होता है कि कहीं पे भी बोरिंग की मशीन बिना अनुमति के प्रवेश कर रही है हमारी सब डिवीजन की सीमा में या फिर कहीं पे नया बोरिंग का काम हो रहा है तो उनको उनकी मशीन को जब्त की जाए, पुलिस का पूरा सहयोग करें और उस मशीन को जब्त करवा के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा के जो भी कार्रवाई है वो की जाए और इसका हम पूरी सख्ती से पालन करेंगे। क्योंकि जो मैं खुद भी देख रहा हूँ यहाँ पे जो नदी का स्तर है जो फिजिकली हमको देखने महसूस हो रहा है कि पानी काफ़ी हद तक सूख गया और दिसंबर का महीना चल रहा है, किसी भी तरह की जो गर्मी है और जो भीषण गर्मी यदि पड़ती है तो उस केस में शायद ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस आदेश का जो कलेक्टर साहब का आदेश है और जो हमारा आज जो मैंने आदेश रिलीज़ किया है तो इसका हम सख्ती से पालन करवाएंगे और सभी नागरिकों से भी हम पूरा निवेदन करेंगे कि इसमें हमारा पूरा पूरा साथ दें।